नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 19 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एच पी पी जी एंट्रांस एग्जाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो आज जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एच पी बी एड एंट्रांस एग्जाम के जो फॉर्म हैं वो भी जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एच पी करियर छात्रों के लिए भी अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एच पी और स्टार प्लेयर यूनिवर्सिटी मंडी सेपरेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनका जो एकेडमिक शेड्यूल है वो जारी हो गया है, और कॉलेजेस में जो एडमिशन्स हैं वो इस दिन से शुरू होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ स्टार प्लेयर यूनिवर्सिटी मंडी ने जो पी जी और यू जी साथ में बी एड के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम होंगे उसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे एच पी यू पी जी और यू जी के लिए जो एंट्रांस एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी बात करें तो 22 मई से ये एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 11 जून तक जो हैं वो चलेंगे, और इसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड हैं वो 19 मई यानी कि आज जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है वो अपनी आई डी और पासवर्ड के थ्रू इन एडमिट कार्ड्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट और जो यूजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं एचपीयू के, वो आज जो है वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू चेक करते रहें कि, और क्योंकि आज जो है वो यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा या ये एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं इसके बारे में भी जो है मैं आपको वीडियो बना के जो है वो इन्फॉर्म कर दूँगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू इकाड्योल से संबंधित रहेगा। तो इकाड्योल के जो बी एड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको जो है वो एक महीने की टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इकाड्योल में बी एड फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर चुके छात्रों को हर हाल में एक महीने की टी पी यानी टीचिंग प्रैक्टिस करनी होगी। उन्हें 20 मई से लेकर 15 अगस्त के बीच किसी भी महीने स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस करनी होगी। इस बारे में किसी भी जिला के नज़दीकी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके साथ ही संबंधित स्कूलों के लिए भी कड्यूल की ओर से एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें स्कूल और टीपी करने वाले स्टूडेंटों का पूरा ब्यौरा होगा। इसमें एक महीने की ट्रेनिंग के बाद संबंधित स्कूल के मुखिया से ही लिखित में सर्टिफिकेट जारी करवाया जाएगा। एनसीटी के नियमों को ही इसमें लागू किया जाएगा। कोई बार देखने में आता है कि प्राइवेट बीएड कॉलेजों की ओर से जो है वो अपने विद्यार्थी पढ़ने के मकसद से टीपी में पूरी रियायत दी जाती है। विद्यार्थी अपनी टीपी के लिए पसंदीदा स्कूलों का चुनाव करते हैं और बिना कोई टीचिंग प्रैक्टिस किए ही सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन इकाड्योल के छात्रों को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। शिक्षा विभाग ही सरकारी स्कूलों में खाली पोस्टों पर बीएड विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करने का मौका देता है। अनुभवी क्लास टीचरों की मौजूदगी में बीएड विद्यार्थी अध्यापन की प्रैक्टिस करने का फायदा भी है। स्कूलों में लाजमी तौर पर बीएड विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने को रजिस्टर का भी जो है वो लगाया गया है, और उसकी बाकायदा चेकिंग भी होती है। तो जो भी यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे इकाड्योल के, उनको जो है वो हर हाल में एक महीने की टीचिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करनी होगी। इसके रिगार्डिंग जो है वो एचपी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू बी एड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे संबंधित रहेगा। तो बी एड के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 20 जून को यहाँ पे एच पी यू करवाएगा, और यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम के फॉर्म है वो 6 जून तक भरे जाएंगे। और पिछले कल से यहाँ पे जैसे लिखा है कि फॉर्म आ गए होंगे, लेकिन अभी तक जो फॉर्म है वो यहाँ पे आए नहीं है। तो जैसे ही फॉर्म आएंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा, और बाकी 6 जून तक ये फॉर्म जो फिल होंगे, और 20 जून को बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो यहाँ पे जो 24-25 में बीएड के लिए 20 जून को जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। प्रेस बेस परीक्षा के आधार पर ही सभी निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में सीटें आवंटित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से जो है बीएड प्रवेश प्रक्रिया के शेड्यूल के अनुसार 18 मई से बीएड प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 6 जून तक चलेगी। छात्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल www.nadmissions.hpsimla.in के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बीएड का प्रोस्पेक्टस भी जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बीएड की 85% सीटें जो है वो हिमाचली कैंडिडेटों के लिए आरक्षित रहेंगी, और 15% सीटें जो है वो बाहरी राज्य के विद्यार्थियों के लिए जो है वो आरक्षित रहेंगी। बीएड में प्रवेश के लिए जो छात्र हैं जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उन पर भी जो है वो संपर्क कर सकते हैं। बाकी फॉर्म जो है वो जैसे कल बोला था लेकिन अभी तक आए नहीं है, जैसे आएंगे मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा, और इनको फिल करने की लास्ट डेट 6 जून रहेगी, और 20 जून को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पे HPU और सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका जो एकेडमिक शेड्यूल है नेक्स्ट ईयर का वो जारी हो गया है और वहाँ पे जो एडमिशन्स हैं वो जून में स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्नातक फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए आवेदन 3 जून से 15 जुलाई तक HPU और सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड कॉलेजों के लिए एकेडमिक शेड्यूल जारी। तो कॉलेजों में UG डिग्री कोर्स के नए एकेडमिक सेशन के लिए सरकार ने एकेडमिक शेड्यूल जारी कर दिया है। निर्देश कुछ उच्च शिक्षा कार्यालय की ओर से कॉलेजों में लागू किए जाने को लेकर दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें शेड्यूल जो है वो लागू होगा। इसके तहत नए सेशन में प्रवेश प्रक्रिया नियमित कक्षाएं और परीक्षाएं आयोजित की जानी है। अतिरिक्त शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 3 जून से लेकर 15 जुलाई तक जो है वो कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में एडमिशनें चलेंगी। कॉलेजों में इस दौरान प्रवेश पूर्व काउंसलिंग भी होगी क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन है वो काउंसलिंग बेस पे मिलेगी। 16 जुलाई को UG फर्स्ट ईयर की 1 बजे कॉलेजों में पहली प्रवेश मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को 16 से 19 जून तक जो है वो एडमिशन लेने का समय दिया जाएगा। कॉलेज 20 जुलाई को फर्स्ट ईयर की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। इसमें शामिल छात्र जो प्रवेश पाएंगे वे 20 जून 11 बजे तक फीस जो है वो जमा करवा सकेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए 22 जुलाई को कॉलेजों में ओरिएंटेशन और जो वहाँ पे परिचय सत्र है वो होगा। UG डिग्री कोर्स के दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 6 जून से 15 जुलाई तक जो है वो एडमिशन्स के लिए टाइम मिलेगा। 6 से 19 जुलाई तक जो है वो उनको फीस वहाँ पे जमा करवानी होगी। 20 से 22 जुलाई तक इन दोनों कक्षाओं के प्रवेश के बाद काउंसलिंग जो है वो सत्र होंगे। शेड्यूल के अनुसार 23 जुलाई से 28 अक्टूबर तक, 4 नवंबर से 31 दिसंबर और 5 फरवरी 2025 से लेकर 29 मार्च तक 181 दिनों की जो नियमित कक्षाएँ हैं वो चलेंगी जिसमें रेमडियल कक्षाएँ भी होंगी। आदेश में शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए कॉलेजों का प्रस्तावित एडमिक शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। इसी के साथ जो यहाँ पे एडमिशन्स है वो 15 दिनों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो है वो कॉलेजों को प्रोस्पेक्टस जो है वो बनाने होंगे। सभी कॉलेजों में नियमित कक्षाएं 23 जुलाई से जो है वो शुरू हो जाएंगी। जो नेक्स्ट सेशन है वहाँ पे 65 दिनों की छुट्टियां जो हैं वो रहेंगी। 1 अप्रैल से 15 मई तक जो परीक्षाएँ हैं वो करवाई जाएंगी। तो कॉलेजों में नए सत्र में UG डिग्री कोर्स की जो परीक्षाएँ हैं वो 1 अप्रैल से 15 मई 2025 में करवाई जाएंगी। ये परीक्षाएं जो है वो 44 दिन चलेंगी। 10 अप्रैल से 17 मई तक जो है वो यहाँ पे पेपरों की चेकिंग होगी और 30 जुलाई तक परीक्षाओं के परिणाम घोषित होंगे। एकेडमिक सेशन 24-25 में हुई UG परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने को 31 जुलाई 2024 तक की समय सीमा जो है वो रखी गई है। 7 सितंबर तक रिवैल्यूएशन परीक्षाओं के परिणाम जो है वो घोषित होंगे जबकि 23-24 के ही अनुपूरक परीक्षा सितंबर में जो है वो होंगी। तो ये सारा शेड्यूल जो है वो यहाँ पे हायर एजुकेशन ने जारी कर दिया है और ये शेड्यूल जो है वो जो भी जितने भी हिमाचल में प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होगा और जितने भी HPU और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से अपडेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये शेड्यूल जो है वो चलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने प्रवेश के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई। अब 23 मई तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने PG कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। अब इस प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं 23 मई तक आवेदन कर सकेंगे। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के कुलपति ने ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 23 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जो है वो फॉर्म वो फिल कर सकेंगे। अब फॉर्म कैसे फिल करना है इसके रिगार्डिंग भी जो है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे जो है वो आप लोग ये चेक कर सकते हो। यदि यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान कोई समस्या आती है तो उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी कॉल कर सकते हैं। बता दें कि पहले सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की तिथि 18 मई निर्धारित की गई थी। अभी तक कई युवा आवेदन नहीं कर पाए थे इसके चलते यूनिवर्सिटी ने यह तिथि जो है वो बढ़ाई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इंजीनियर सुनील वर्मा ने कहा है कि अब तक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी परिसर और यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले कॉलेजेस में करवाए जा रहे 18 कोर्सेज के लिए 4500 के करीब जो आवेदन है वो यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अब जो है वो इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 मई रहेगी और 23 मई तक जो है वो छात्र सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट है क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।